आगाज अच्छा तो अंजाम अच्छा। पहली गेंद पर छक्का के पत्तों की तरह मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आता है। Assalamu alaikum, this is me, your presenter Veena Khan and you are watching 99 News Channel. 99 News Channel में एक बार फिर हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है Sports with 99. Sports with 99 में आज एक बार फिर हमारे साथ एक बहुत ही कदावर शख्सियत है मौजूद स्पोर्ट्स की दुनिया से। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सैयद मुनीर अली कादरी साहब की। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, इसके अलावा प्रेजिडेंट हैं KCBA के। आप सोच रहे होंगे KCBA क्या है, तो मैं बता दूं KCBA मीन्स कराची कैचबॉल एसोसिएशन के माशाल्लाह प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा मुनीर साहब ने अपनी ज़िंदगी के कई कीमती साल कराची पब्लिक स्कूल को भी दिए, वहां पर एज ए मीडिया एंड स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर के तौर पर इन्होंने अपनी खिदमात अंजाम दी। तो आइए स्टूडियो में वेलकम करते हैं सैयद मुनीर अली साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मुनीर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का। ठीक ठाक हैं? माशाल्लाह, मैं आपका आपके बारे में जब पढ़ रही थी तो आपने अपनी ज़िंदगी के कई कीमती साल स्पोर्ट्स को दिए, क्रिकेट को दिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसके लिए तो मैं आपकी और हमारी पूरी टीम बहुत शुक्रगुजार है कि आपने एक ये भी खिद, जब आप ज़िंदगी को बामकसद गुजारते हैं और मुल्क और कौम के लिए भी कुछ करके दिखाते हैं तो असल ज़िंदगी का मकसद तो तभी उभर के सामने आता है, तो माशाल्लाह। अच्छा, मेरा पहला सवाल मुनीर साहब आपसे, पाकिस्तानी क्रिकेट, ठीक है, आप माशाल्लाह इतने सीनियर हैं, मोस्ट सीनियर हैं माशाल्लाह, पाकिस्तानी क्रिकेट का पास्ट भी आपने देखा और अल्हम्दुलिल्लाह आप प्रेजेंट भी देख रहे हैं। इस वक्त कितनी अजीब सी सिचुएशन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, टीम की बात करें या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करें, क्रिकेट की पूरी मैनेजमेंट की बात करें, अजीब सी एक अफरा तफरी का आलम है। और अगर हम कारकर्दगी की बात करें तो कारकर्दगी इतना कुछ, इतने बड़े बड़े इकदामात करने के बावजूद कारकर्दगी कोई ख़ास नज़र के उभर के सामने नहीं आ रही। आप कैसे देखते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट के पास्ट को और अब प्रेजेंट को? शुक्रिया बहुत बहुत। एक तो पाकिस्तान क्रिकेट का जो पास्ट है जी, बल्कि बहुत ही कदीम अंदाज में अगर मैं बात करूं तो अर्ली 90s और 80s की जी, उस वक्त की क्रिकेट में और इस वक्त की क्रिकेट में हर लिहाज से ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सही। सबसे पहली तो बात यह है कि उस वक्त ग्लैमर इतना नहीं था क्रिकेट का। सही, ठीक। इतनी मार्केटिंग नहीं थी, इतना मीडिया फास्ट नहीं था, इतना सोशल मीडिया नहीं थी और इतना जो है क्रिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा खेली नहीं जा रही थी। उस ज़माने में ना T20 का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट था और वनडे का भी अगर आपको इल्म हो तो कैरी पैकर की बुनियाद पर जो है वो ये वनडे क्रिकेट जो है वो ऑर्गेनाइज हुई और एक मनफी अंदाज में शुरू हुई जिसको फिर ऑस्ट्रेलिया ने आखिरकार ऑफिशियल अंदाज अपनाया। यहाँ तक कि जब चैनल का मामला आया तो चैनल को भी उनको ने उसको सुपरवाइज नहीं करने दिया ब्रॉडकास्ट और उनके हकूक नहीं दिया, लेकिन आखिरकार फिर उनको ही देना पड़ा। सेकेंडली बात यह है कि पाकिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है वो सियासी सूरत हाल से बहुत ही ज़्यादा मुमासलक रखती है। इस वक्त हमारे मुल्क में कई सालों से, क्योंकि अफरा तफरी का है जी जी। तो मैं वैसे भी हर चैनल में कहता हूँ और अपने दोस्तों में कि इसका असर जो है पूरी कौम पे जब पड़ रहा है तो ये यूनिट है एक क्रिकेट, ये भी एक माशरती एक यूनिट है। बिल्कुल। तो लामाला जब और चीज़ों में फ़र्क आया तो इस पर भी आएगा। अलबत्ता एक बहुत ही गैर मुनासिब बात है, वो ये है कि जब क्रिकेट के अंदर मुझे अच्छे से याद है एक बहुत बड़े खिलाड़ी से रन नहीं हुए और हालांकि एक दो दफ़े ही रन नहीं हुए थे तो लोग भी पसंद नहीं करते थे उनका खेलना और बोर्ड ने भी फिर उनको अल्लाह हाफिज़ कह दिया। लेकिन हमारे अंदाज़ ऐसा है कि अल्लाह हाफिज़ इतने आराम से कहते नहीं हैं, ना खिलाड़ी कहता है ना बोर्ड इज़्ज़त के साथ करता है। अब इस वक्त भी जो हालात है उसमें भी यही हुआ है कि जो सही ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए जिसने खिदमत अंजाम दी है तो इस वक्त सब जो है वो पैसे बटोरने में लगे हुए हैं, जिसे लफ्ज इस्तेमाल होता है। सही। इस वक्त सबको मालूम है कि इज्जत जो है मुझे लगता है आनी जानी वाली चीज़ है, पैसा ही मैटर करता है। सेकेंड नंबर पर लीग वगैरह खेल के और दूसरी क्रिकेट की जो इजाज़त दी जा रही है खासतौर पर उन खिलाड़ियों को जो पाकिस्तान के अवेलेबल है, मैं समझता हूँ इंतहाई नाजायज है। ये एक माफिया है, आप समझते हैं कि इजाजत नहीं देनी ये माफिया है जो करंट क्रिकेटर को जो है वो लीग खेलने की इजाजत दे देता है
इतना भी पैसा कमज़ोर नहीं है इस वक्त। एक आप MBA MBSC और ग्रेजुएट को देखिए, बेरोजगार है और बहुत नॉर्मल आमदनी कमा रहा है, जबकि खिलाड़ी पाकिस्तान से भी जब खेलते हैं और अपने डिपार्टमेंट से खेलते हैं तो लाखों रुपए उनकी महाना फीस बनती है। तो मैं समझता हूँ इस वक्त क्रिकेट का जो हाल है वो बदहाली इसीलिए है कि हमने खिलाड़ियों को पैसों के पीछे दौड़ा दिया है और हमारे कुछ मामलात है जिसकी बुनियाद पर हम चाहते हैं कि इन खिलाड़ियों को अपने दबाव में न रखें बल्कि हम इनके दबाव में रहें। तो इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों के दबाव पे है और वो आप यकीन करें कि आज भी बात हो रही थी, जैसे कि उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर एक दो विकटें गिरेंगी, तो मैंने कहा विकटें नहीं गिर रही, ये वो मरीज़ है जिसको बचाने की कोशिशें हो रही हैं और उस मरीज़ को बचाने के लिए कभी कहीं से गोश्त निकाला जाता है, कहीं से गोश्त निकाला जाता है, आखिर में कहेंगे वेंटिलेटर पे आ गए। तो अब भाई मरीज़ आप जो है आप भी जा सकते हैं, इसलिए कि अब हम मजीद आपको वेंटिलेटर पे नहीं सकते, अब आपका टाइम खत्म हो गया है, PCB में जिंदा रहना ज़रा मुश्किल हो गया है। तो हमारे यहाँ जो है इस वक्त म्यूजिकल चेयर का ज़माना है, हमारे यहाँ पसंद नापसंद का ज़माना है और क्रिकेट जो है बिल्कुल ही जिसे उर्दू में बहुत ही मतरूक लफ्ज़ में अगर कहें कि थले लगी हुई है, तो वाकई और जो हमारे यूनिट हैं जो इस वक्त और खेलों का हाल है और हमारे माशर्ती इस वक्त क्रिकेट का भी बेड़ा गर्क है, लेकिन अफसोस ये है कि कोई इसको ठीक करने के लिए आगे बढ़ने को तैयार नहीं और जो आगे बढ़ रहा है उसकी कोई सुनाई नहीं है, सुनाई नहीं रहा है, जो जायज़ पे है जो मेरिट पे है उसको कोई सुन ही नहीं रहा, कोई देख ही नहीं रहा। बिल्कुल सही कहा आपने, तो आपने बहुत अच्छे अंदाज में पाकिस्तानी क्रिकेट के पास और प्रेजेंट को एनालाइज किया, थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मुनीर साहब ये है कि अगर हम डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले इसको जितनी अहमियत दी जा रही थी अब उतनी, अब बातें तो ज़्यादा हैं लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर हमारी जो क्रिकेट के जो हमारे कर्ता धर्ता हैं अगर वो डोमेस्टिक क्रिकेट पर तवज्जो दें तो क्या इसके फ़रोग से इंटरनेशनल लेवल पे हमारी जो नेशनल टीम है उसमें कुछ बेहतरी आ सकती है डोमेस्टिक क्रिकेट के ज़रिए, इस पे ज़रा। एक तो ये है कि हम चाहते ही नहीं बेहतरी आए, सबसे बड़ी बात तो यहाँ से शुरू करें कि हम बेहतरी चाहते ही नहीं, बेहतरी नहीं चाहते। और सेकंड नंबर पे बात यह है कि T20 क्रिकेट ने हमारी क्रिकेट की जो बेस है ना उसको बिल्कुल तबाह कर दिया है। हर खिलाड़ी क्रॉस क्रिकेट खेल के समझ रहा है कि मैंने 100 कर दिए 50 कर दिए, जब वो टेक्निकली साउंड नहीं होता तो T20 में तो थोड़ा सा उसको सर्वाइवल मिल जाती है, लेकिन जिसे असल क्रिकेट कहते हैं, जिसे टेस्ट क्रिकेट कहते हैं, फोर डे क्रिकेट कहते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट कहते हैं, उसमें उसका मियार बहुत पस्त है। सेकंड नंबर में मैं आज ही की आपको मजाक खेज बात बताऊं कि अभी मेरी बात होती है मीरपुर खास में जाके, मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट में एक इंटर डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ से बच्चा रीजन खेलेगा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेगा, डिपार्टमेंट में जाएगा या पाकिस्तान में डायरेक्ट जाएगा, उस क्रिकेट का हाल यह है सीनियर डिस्ट्रिक्ट का कि वहाँ अब तक जबकि आधा घंटा बाकी है डे ऑफ होने में, पहले ही दिन 25 विकटें गिर चुकी हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर 100 रन के अंदर टीमें आउट हो रही हैं, दूसरी टीम भी 100 के अंदर आउट हो रही है, फिर थर्ड इनिंग जो शुरू हो रही है सेकंड इनिंग इनिंग की, वो भी 50-60 पे उनके 5 या 6 खिलाड़ी आउट हो गए, तो बताइए हमारी क्रिकेट हम कहाँ ले जा रहे हैं। फिर हम इसको खाना पूरी कर रहे हैं, हमारे पास जो ICC ने फंड दिए हैं, जो हमारे पास TV राइट जो मीडिया राइट्स होते हैं उनका पैसा आता है, इस पैसे को सिर्फ हम लोगों ने प्लस माइनस करके दुनिया को दिखाना है। डोमेस्टिक क्रिकेट का बहुत बदहाल है, सबसे बड़ी बात यह कि डोमेस्टिक क्रिकेट आपकी खेलता ही वो खिलाड़ी है जिसको आपने लेना नहीं होता, 200 खिलाड़ी खेल रहा होता है और 2 खिलाड़ी भी आप डोमेस्टिक क्रिकेट में उठा रहे हो, जब उनको मालूम है कि हमें इस क्रिकेट से फ़ायदा नहीं है और दूसरे जो है उनको मालूम है जिन्होंने खेलते रहना है कि जी हमें इस क्रिकेट से कोई नुकसान नहीं है, तो इस डोमेस्टिक क्रिकेट का अल्लाह हाफिज़ है। डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि जो पाकिस्तान खेलने वाले खिलाड़ी हैं, जो 40-50 खिलाड़ी हमारा रेगुलर है, जो इंपॉर्टेंट है और जो इंपॉर्टेंस रखता है, उसको किसी सूरत में फर्स्ट क्लास क्रिकेट से जो है और डोमेस्टिक क्रिकेट से रिलीज़ ना दिया जाए, और अगर वो रिलीज़ देता है तो फिर उसको उस साल जो है वक्फा दिया जाए, ताकि मालूम हो कि जो हमारा बच्चा या खिलाड़ी जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको हम इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाए। अगर आज हम डोमेस्टिक क्रिकेट के खिलाकर किसी को इंटरनेशनल क्रिकेट में इंट्रोड्यूस नहीं करा रहे तो आप खुद मजाक उड़ा रहे हैं और समझा रहे हैं कि यार ये हमारी क्रिकेट खाना पूरी है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, ये हमारी मजबूरी है तो हम करा रहे हैं। जिस दिन आपसे 2-3 खिलाड़ी आप हर साल ला के इंट्रोड्यूस कराएंगे और डोमेस्टिक क्रिकेट से बच्चा निकल के आएगा, जब क्रिकेटर को भी थोड़ा सुकून होगा, पेरेंट्स को भी सुकून होगा, खिलाड़ी वालों को भी सुकून होगा, स्पॉन्सर को भी सुकून होगा। अब स्पॉन्सर भी 25-30 खिलाड़ियों पे जो है अपनी नजरें जमाते हैं। सही बात। डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई खास फायदा नहीं होता। अभी मीडिया राइट्स की डोमेस्टिक क्रिकेट में बात हो रही थी और डोमेस्टिक सीजन में तो बहुत मुश्किल से जो है इनको फंड मुहैया होते हैं, वही गिने चुने लोग हैं जो इनको फाइनेंस करते हैं या फिर जो बोर्ड के पास ऑलरेडी पैसा होता है। फिर PCB ने अपने आप को आजाद लेवल पे गर्दाने की कोशिश की है। अब कुछ अरसे से खमारियां जो है ठीक है वो इतना अमली तौर पर नहीं कुछ कर पा रही, लेकिन बहरहाल पब्लिक में लोगों को मालूम हो गया है कि कौन लोग पाकिस्तान को लूट रहे हैं, कौन पाकिस्तान को ख़राब कर रहे हैं, कौन पाकिस्तान की परेशानी के जिम्मेदार हैं। तो ऐसे ही इस वक्त क्रिकेट बोर्ड है
जिसने अपने फंड्स को गैर जरूरी तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया है और कोई प्लानिंग नहीं है। और सीधी सी बात है, आप अभी प्लानिंग कर रहे हैं, सही, अभी प्लानिंग करते करते आपका जो है प्रोड्यूसर जो है चला जाता है, डायरेक्टर चला जाता है, तो आपकी जो इस वक्त इंस्टीट्यूशन है कहाँ खड़ी होगी? ये 99 जो है ये कहाँ खड़ा होगा? ये मेरे ख्याल में बिल्कुल वही बात है कि 100 से एक रन पहले जो है रन आउट हो गया। तो ये हमारी कौम जो है इस वक्त रनआउट की तरफ ज़्यादा जा रही है। सर्वाइव करने की ज़रूरत के लिए ज़रूरी है कि हम बिल्कुल स्ट्रक्चर अपना मजबूत करें। स्ट्रक्चर बिल्कुल हमारा फनाइल है, जो आता है अपनी कैबिनेट लेके आता है, जो आता है अच्छे खासे लोगों को जो तरतीब बार चले आ रहे हैं अहल है उनको नहर करार देकर बाहर कर देते हैं। अगर आप यस सर, अभी आज मोहम्मद यूसुफ ने जो है इस्तीफा दिया है करंटली जो आज सुबह, तो आप ये बताइए कि कितने दिन की आपकी जो है ये सिलेक्शन कमेटी होती है जो आती है चले जाती है? भाई आप सिलेक्शन कमेटी को और उसका जो मियार है, अगर आप एक स्टैंडर्ड रखेंगे तो 100 आदमी चले जाए कोई बात नहीं, लेकिन स्टैंडर्ड वही होना चाहिए। हमारे स्टैंडर्ड के पेज ही गायब हो जाता है, फिर दूसरा पेज आता है तो वो पिछले पेज को भूल जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक एक कंस्ट्रक्टिव जो नहीं आएगी, यानी तसलसल नहीं आएगा, जब तक जो है हमारे मुल्क के किसी भी शोबे में आप तरक्की या उसको पायदार हम नहीं कह सकते। और आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी कि मोहम्मद यूसुफ ने जो है वो आज जनाब रिज़ाइन दे दिया है, जैसे कि मुनीर साहब ने भी बताया कि सिलेक्टर, वैसे वो खिदमात अंजाम देंगे बैटिंग कोच के जो उनकी ज़िम्मेदारी है वो निभाएंगे, लेकिन सिलेक्शन टीम से वो अलग हो गए हैं। यानी जो सिलेक्टर का जो एक पूरा एक टीम होता है उससे उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है। और वो कहते हैं ना, जितने मुँह उतनी बातें, कहीं सुनने में ये आ रहा है कि जनाब उन्होंने ख़ुद कहा कि मेरे कुछ ज़ाती मसाइल हैं जिसकी वजह से जो है मैं अब ये ज़िम्मेदारी जो है जो सिलेक्शन की ज़िम्मेदारी है ये नहीं उठा सकता और बाकी खिदमात में अंजाम दूंगा। लेकिन कहीं पे सुनने में ये भी आ रहा है कि जो हेड कोचेज़ वगैरह जो हैं टीम के, उनके ख्यालात आपस में एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो रहे। तो देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है पाकिस्तान के क्रिकेट के डाउन होने की, कि आपस में ही एका नहीं है, दिमाग नहीं मिलते और तरजीहात नहीं मिलती। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि सिलेक्शन कमेटी ये जो भी कमेटी बनती है ड्यू रिस्पेक्ट, ये आप ये न समझे कि ये सिलेक्शन के लिए इनको लाया गया है। असल में ये खामोश करने के लिए लाया जाता है खिलाड़ियों को। चंद खिलाड़ियों को आप चंद महीनों के लिए आजमाते हैं और उनको लाके खड़ा कर देते हैं, सही बात, तो फिर बोर्ड जो है सर्वाइव कर जाता है। फिर जिन देर में पीछे से कुछ लोग बोलना शुरू करेंगे, इनकी बारी खत्म हो जाएगी, दूसरी आ जाएगी। मैंने बताया ना कि जब तक एक सॉलिड वजह ना हो किसी को लेने की और सॉलिड वजह ना हो निकालने की, तो जब तक ये सिस्टम जो है ये इसी तरीके से रफ एंड टफ जो है चलता रहेगा। और मैं हैरान होता हूँ कि लोग उर्दू में बात कैसे कर लेते हैं कि जी हम ज़ाती मसरूफियात की वजह से जो है ये सिलेक्शन छोड़ रहे हैं। अरे आप बैटिंग कोच की हैसियत से तो 24 घंटे आप अवेलेबल हैं। हाँ। या तो आप उस क्रिकेट बोर्ड की तमाम खिदमत से अलहदा और अपनी ज़ाती मसरूफियात की तरफ चले जाएं। ये कौन से आप ये कहें, आप ये कहें कि जहनी तौर पर मेरा जहन जो है सिलेक्शन की तरफ जो है वो नहीं आ रहा और मैं जो करना चाह रहा हूँ या तो वो करने नहीं दे जा रहा या मेरी सलाहियत नहीं है कि मैं सही सिलेक्शन कर सकूँ। ये यही बात मैं कहना चाह रही थी कि अभी आपने खुद ही वो बात कह दी कि हो सकता है कि उनकी मजबूरी हो कि वो कह रहे हैं कि भाई मेरी कुछ फैमिली प्रॉब्लम है या जाती, लेकिन क्या पता कहीं ना कहीं, बल्कि मुझे तो 75% चांसेस यही लग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ज़ाहिर है मोहम्मद यूसुफ को आप कह रहे हैं ना कि लाया इसलिए जाता है कि बस खामोश बैठेंगे और खामोशी के साथ जो कुछ भी सियास फैद अच्छा बुरा हो रहा है उसे होने देंगे। क्या पता मोहम्मद यूसुफ ऐसा नहीं कर पा रहे हों और कुछ ऐसा हो रहा हो जो उनको सही नहीं लग रहा, लेकिन वो कह भी नहीं पा रहे, कुछ कर भी नहीं पा रहे, तो उन्होंने सोचा होगा कि चलो भाई फिर साइड ही हो जाते हैं। और मेरे ख्याल से आपके भी अल्फाज थोड़े चेंज थे, मतलब यही था। बिल्कुल, और इसमें से भी ये बात भी होती है कि अगर एक दो खिलाड़ी आप पे नज़र रखते हैं कि आप बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, आपने इंसाफ की बात की है, नाइंसाफी के खिलाफ आपने आवाज़ उठाई है, तो अब शायद आप मुझे मेरिट पे ले आए। लेकिन जाहिर बात है कि उनकी इतनी बसात ही नहीं है, तो मेरिट के खिलाड़ी को कैसे लेके आ सकते हैं? लिहाजा फिर अपनी जान बचाने को यही बेहतर है कि आदमी उस जगह से किनारा कशी इख्तियार कर ले। मैं तो ये समझता हूँ कि जो आदमी भी जिस जगह पे वापिस आए ना, उसकी जिम्मेदारी है कि वो फैक्ट एंड फिगर बताए किस वजह से ईमानदारी से वो चीज़ छोड़ रहा है। अगर वो इतनी नाजुक चीज़ थी तो आपको लेना नहीं चाहिए था कि टूट गई, और अगर इतनी अहम चीज़ थी तो फिर अपने आप को अहल साबित करना है। ये कौन सी बात हुई कि आप दौड़ के लिए आगे बढ़े और आधे मीटर के बाद आप वापस आ गए, यार मैं पूरा दौड़ नहीं सकता? तो आपने एक सिलेक्शन कमेटी के एक जो मुनफरिद और मोतबिर मुकाम है उसमें से आपने एक आदमी की जगह आपने लेके वो जगह आपने खाली कर दी, जिसकी वजह से मजीद सिलेक्शन पर नुकसान हुआ। बहरहाल मुझे बहुत अफसोस हुआ ये सुन के कि मोहम्मद यूसुफ ने जो है जो पाकिस्तान टीम सेलेक्टर थे उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। मुझे पर्सनली बहुत दुख हुआ क्योंकि
पूरी दुनिया जो है ना इस वक्त जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट के बारे में बात कर रही है, पूरी दुनिया है क्रिकेट इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट का मजाक उड़ा रही है, और ये मजाक हो रहा है, मजाक उड़ा रही है, ये मेरे अल्फाज नहीं है बल्कि ये हमारे जो साबिक चीफ सेलेक्टर हैं हारून रशीद साहब, ये उनके अल्फाज हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तानी क्रिकेट का मजाक उड़ाया जा रहा है। और अब आज जब मैंने ये खबर सुनी कि मोहम्मद यूसुफ ने भी फाइनली जो है वो रिज़ाइन दिया अपने ओहदे से, तो मुझे लगा कि वाकईतन पूरी दुनियाए क्रिकेट पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फ़ैसलों, उनकी सिलेक्शन, उनके जो इकदाम हैं वो क्या कर रहे हैं, पूरी दुनिया में मजाक अपना खुद ही बना रहे हैं। क्योंकि देखिए अच्छे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनको इस वक्त क्रिकेट बोर्ड में होना चाहिए, जिनको इस वक्त क्रिकेट मैनेजमेंट में होना चाहिए, जिनको इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हिस्सा होना चाहिए, वो अच्छे लोग, वो अहल लोग, वो अलग होते जा रहे हैं। तो जब वो अलग होते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं यही रीज़न मुझे पाकिस्तानी क्रिकेट के जवाल की एक बहुत बड़ी वजह नज़र आ रही है। बहरहाल बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुनीर साहब आपसे लास्ट क्वेश्चन, अभी ICC चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 होने जा रही है और इस सिलसिले में जो PCB के हमारे जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने बहुत सारे इकदाम भी किए हैं और बहुत सारे स्टेडियम्स को भी अपग्रेड किया जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड पे लाया जा रहा है, और उम्मीद यही दिलाई जा रही है कि अब जो ग्राउंड में आके मैच देखेंगे वो क्राउड अब पहले से ज़्यादा इंजॉय करेगा। इसके अलावा टीम में भी काफ़ी रद्दोबदल है और टीम में भी उनका फिटनेस चेक हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। आप इन सारे इकदाम से क्या कहना चाहिए, आप सेटिस्फाई हैं इन सारे इकदाम से जो हो रहे हैं ICC चैम्पियंस ट्रॉफी को लेके? अच्छा, सबसे पहले तो मुझे आपके सवाल के वक्त ये ख्याल आया कि अगर आपको याद हो तो जब ये हेलीकॉप्टर और सिम की उड़ान के तैयारे बन रहे थे ना बहुत पहले स्टार्ट में, तो अगर आपको याद हो तो जब ये बनाया गया तो बंदर, बिल्ली और इसकी मुर्गा और इसकी सिम की चीज़ें जो उसमें रखी गई थी, और ये बताया गया था कि भाई ये खुदा ना करेगा नाकाम हो गया तो इंसान की जान जो है तलफ ना हो, तो उनको मौका दिया गया था। बिल्कुल ये हकीकत है और ये साइंटिफिक अंदाज की बात कर रहा हूँ। सही सही। लेकिन अफसोस ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी में अगर आप देखें तो आपने इतना वक्त ही नहीं दिया कि आप कम से कम ये चेक कर ले जो हम चीज़ें करने जा रहे हैं इससे कोई चीज़ खुदा ना करे मुल्क की बदनामी तो नहीं होगी, परेशानी तो नहीं आएगी, आपके पास इतना टाइम ही नहीं है। हाँ। कतर ने अभी अगर आपको याद हो वर्ल्ड कप कराया था, जबकि इतना उस पर प्रेशर था कि होगा ही नहीं। हाँ। पूरी दुनिया कह रही थी नहीं हो सकता। सऊदी अरब ने भी अपना एक जो है वो बीच में एक पॉइंट दे दिया था और ये भी था कि जी हम कराएंगे और कतर में नहीं खेलेंगे। तो आप बताएं कि वहाँ कितने साल पहले कितना जबरदस्त चीज उन्होंने जो है ना मैनेज कर दी, जबकि वहाँ चीज नहीं थी, उन्होंने इसको आर्टिफिशियल अंदाज में बनाया और आपके पास तो ऑलरेडी चीज मौजूद है, उसमें ही आपको सीमेंट बजरी लगाने में मुश्किल हो रही है। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि इस वक्त जो हमारे ग्राउंड है, क्या इस वक्त ये टाइम था? अरे ये टाइम था कि आप अपग्रेड कर चुके होते और जो आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट और चैंपियन, ये जो आपने 5 क्रिकेट की टीमों के टूर्नामेंट कराए या आप इन सेंटर्स में कराते, इससे आपको मालूम होता कि कितना पब्लिक जो आएगी बैठेगी तो क्या प्रॉब्लम होगी, क्या अच्छाई होगी, क्या नुकसान है, क्या इस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि जनाब जैसे ही ये खत्म होगा वैसे शुरू हो जाएगा, तो वैसे ही जो चैंपियंस ट्रॉफी होगी, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं है, बदनामी ट्रॉफी है ये पाकिस्तान के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मैं समझता हूँ इस वक्त जो हालात हैं, तो मैं इस चैनल पे बैठ के खुदा ना करे किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा, डिस्करेज नहीं कर रहा इस टूर्नामेंट के बारे में, हकीकतें हैं, इस पर कौन नहीं मान रहा कि कितने दिनों में ये चीज मुकम्मल हो जाएगी। जिस दिन देखे आप, 2 दिन पहले होता है जी मुल्तान टेस्ट जो है वो ट्रांसफर हो गया जी, आपने जो है वो वेन्यू जो है कराची था वहाँ से इस्लामाबाद ले गए, वहाँ से एक टूर्नामेंट था फैसलाबाद ले गए। मतलब आप इस तरीके से मूवमेंट करके दुनिया को क्या दिखा रहे हैं कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट जब सही तरीके से अपने इन एडवांस जो हम प्रोग्राम या कैलेंडर दे रहे हैं उसमें काम नहीं कर सकते, तो हम इंटरनेशनल लेवल के इवेंट क्या करेंगे? अभी ये सारी चीज़ें जो है ये आपको पता है कि इमारतें जब बनती हैं तो इमारतें बनने में जो सरिया और सीमेंट इस्तेमाल होती है कमीशन भी उसी के अंदर मर्ज हो जाता है। अब इतना नहीं होता कि हम सीमेंट और बजरी निकाल के देखें कि उसमें कितना कमीशन है और कितना असल इसमें गया है। सबसे बड़ी जो प्रोडक्ट है इस वक्त, ये प्रोडक्ट चल ही ये रही है, चैंपियंस ट्रॉफी तो मेरे ख्याल में बहुत बात की बात है। यहाँ तो लोग ये भी कह रहे हैं कि पता नहीं चैंपियंस ट्रॉफी इस वक्त पाकिस्तान में फिर भी होगी कि नहीं होगी, अभी भी लोग डाउट है। तो चले इसी बहाने अल्लाह करे स्टेडियम बन जाए तो कम हम डोमेस्टिक क्रिकेट के मैचेस अच्छे हो जाएंगे, लेकिन अगर चैंपियंस ट्रॉफी होती भी है तो कई चीज़ें हैं, सिर्फ आपका स्टेडियम को इम्प्रूव कर लेना, उनकी सीटों को सही कर लेना, तो ये बिल्कुल बेहतरीन चीज़ है, लेकिन इसके लिए दीगर चीज़ों, मुझे लगता है कि सिर्फ 5-6 अफराद हैं जो बिल्डिंग बनाने भी मसरूफ हैं, जो दूसरे लवाजमात में मसरूफ है, जो सिलेक्शन में भी मसरूफ है, जो बजटिंग में भी मसरूफ है, जो मार्केटिंग में मसरूफ है, इतने आपके पास मुख्तलिफ तरीके के लोग 100% है ही नहीं
कि जिनसे आप सही तरीके से काम ले सकें। चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए बाकायदा एक सिस्टम होना चाहिए था, रीजन्स की खिदमत अंजाम लेनी चाहिए थी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर जो है वो ऑथेंटिक लोग जो बैठे हैं या बैठने चाहिए थे, उनसे आप कमेटियाँ बनवा के काम लेते और फिर इसकी रिपोर्ट जो है वो चेयरमैन तक जाती है या वज़ीर आज़म में जाती। मैं समझता हूँ इस वक्त हर चीज़ जो है वो हड़बंग तरीके से यूँ समझिए। मुनीर साहब अभी सुना है कि अब कमेटियाँ बनाने का प्लान किया जाए। हाँ, इंशाल्लाह चैम्पियंस ट्रॉफी जो अगले दिन होगी और रात को चैम्पियंस ट्रॉफी की टीमें बन गए, उनके एक्सिलेशन कार्ड जो है बन रहे होंगे। मुझे बहुत हैरत हुई, बताया कि बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसे खुदा ना करे कोई आदमी कहे कि नहीं मुझे जो है वो निकाह नहीं करना बल्कि रुखसती करनी है, और वो निकाह की तैयारी थी लेकिन रुखसती करनी पड़ गई, तो रुखसती तो वह लाजिम है। तो ये भी चैम्पियंस ट्रॉफी हो तो जाएगी अगर इंशाल्लाह होनी होगी, लेकिन क्या है कि वो जो हमें एक कॉन्फिडेंस है ना, वो कॉन्फिडेंस हमें एक दो साल पहले होना चाहिए था कि हम हर चीज़ से तैयार हैं। हम अभी तक दुनिया को क्या दिखा रहे हैं कि आप जो है और आप मजाक क्या उड़ा रहे हैं कि आप खुद ही रोजाना हथौड़े दिखा रहे हैं कि जी मैं देख रहा हूँ कि जी ये हथौड़ा बन रहा है, यहाँ से ये चीज़ जा रही है, ये लिफ्ट तैयार हो रही है, ये वॉशरूम तैयार हो रहे हैं। मतलब ये कोई बच्चों वाला खेल है गुड़े गुड़े का जो आप दुनिया को दिखा रहे हैं। तालुक क्या है, मतलब जो हम लोगों को समझा रहे हैं कि जी हम बहुत ही नाहेल है नकारा है और हम पे जब आन पड़ती है जब हम ये काम करते हैं, भाई नजर की हालत है तो अल्लाह ने भी कहा मैं माफ नहीं करूंगा, और आप नजर की हालत में जो है वो अपने मुल्क के जो है स्टेडियम से सेट कर रहे हैं, इसीलिए सिलेक्शन से आपका दिमाग जो है हट गया है, इसी तरीके से टेक्निकल जितनी चीजें आउट हो गई हैं इसलिए कि आप बिल्डिंग पे बन गए। अरे बिल्डिंग तो इंसानों से भरी जाएगी, पहले इंसानों के मामला तो सही कर लो, सिलेक्शन सही कर लो, टीमों की जो सारी चीजें हैं उसको सही कर लो, आपके चार खिलाड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं उनको आप जो है स्टैंड बाई कर देते हैं, स्टैंड बाई करके आप कहते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, क्या मजा है कि एक दफा आप ट्रेन से बुला रहे हैं तो जहाज से बुला रहे हैं, किसी को आप एक लीग से बुलाते हैं कि तुम आ जाओ, जब वो बेचारा आता है 25-35-36 घंटे के बाद फकर जबान तो उसे आप कहते हैं फिटनेस टेस्ट दो। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि बिल्कुल ऐसी मुराद है कि आप एक दफे हाँपते काँपते आए, हाँपते कभी तो साइंस कहती है कि जी जब आप हाँपते काँपते आए तो आप सांस जो है वो लें उसके बाद आप नहाने जाएं। और फिर मुझे किसी ने बताया अभी एक छोटी सी बात मुझे याद आई कि जब ब्लड प्रेशर होता है तो उनका ये कौन बेवकूफ़ है जो कहता है हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है और उस वक्त जो है मशीन लगा देते हैं। अरे भाई थोड़ा टाइम लो नॉर्मल होने के लिए, उस वक्त तो आपको सबको दुनिया को मालूम होगा ब्लड प्रेशर जो है वो हाई है। तो हमारी ये चैम्पियंस ट्रॉफी चलाने वाले, क्रिकेट बोर्ड चलाने वाले, हमारे स्पोर्ट्स की जो एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन हैं और बोर्ड हैं, ये आखिर किस माफिया के मतलब ये है कि पैरोकार हैं जिसकी बुनियाद पर यहाँ कोई चीज़ भी हिलती नहीं है। जब हुकूमत जाती है तो हुकूमत के साथ ये चले जाते हैं, जब तक हुकूमत है जब तक ये अटके रहेंगे। मैं कहता हूँ हुकूमत चली जाए लेकिन लोग वही रहें, अगर वो ऑथेंटिक हैं, वो अगर ज़िम्मेदार हैं, अगर वो बिल्कुल एक्सपर्ट हैं तो उनको रहना चाहिए, और अगर चाहे मेरे घर की हुकूमत हो अगर मैं इस काबिल नहीं हूँ तो मुझे अहल जगहों पर जो है वो नाअहल को कोई तुक नहीं है कि हम आपको जो है जगह दें। सही बात है, थैंक यू सो मच सैयद मुनीर अली कादरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में, डिटेल अंदाज में आपने हर सवाल का जवाब दिया और क्रिकेट से आपकी मोहब्बत आपके हर जवाब में नज़र आ रही थी। थैंक यू सो मच, सलामत रहिए, बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए बस इतना ही, अगर आप लोगों को प्रोग्राम अच्छा लगा है तो लाइक और कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो कीप वॉचिंग 99 न्यूज़ चैनल। बीना खान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।